एक कार अमूमन 1 लीटर में 15 से 20 किलोमीटर तक का एवरेज देता है, लेकिन इस पर SRM यूनिवर्सिटी की एक छात्र इकाई ने एक प्रोटोटाइप का टेस्ट किया जिसने 100 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से एवरेज दिया। लेकिन KG सोम कॉलेज मुंबई एक अनोखा रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसके प्रोटोटाइप टेस्ट में वाहन के 250 प्रति किलोमीटर का औसत छूने में कामयाब हुआ। ये दोनों उन 20 टीमों का हिस्सा है जिन्होंने इस साल चेन्नई स्थित शैल इको मैराथन में भाग लिया। इसमें इको मैराथन ने कॉलेज छात्रों को सबसे ज्यादा एवरेज देने वालों वाहन बनाने के लिए न्योता दिया। इस साल छात्र टीमों ने 2 श्रेणियों प्रोटोटाइप और अर्बन कॉन्सेप्ट के जरिए इसमें भाग लिया। अर्बन कॉन्सेप्ट टीम को इंजन के 2 प्रकार के तहत वाहन चलाने की अनुमति दी। तमाम तरह की खोज से वाहन को कम ईंधन से चलाने के लिए खोज जारी है। ये कब तक सफल होती है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि नए तरह की खोज से ईंधन का इंतजाम हो जाए। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।